Dear viewers, dear parents and teachers, under the heading of Taylor Montessori system, आज आपको एक तरीका समझाऊंगी जिससे कि हम छोटे बच्चों में राइटिंग को फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो जब आप राइटिंग सिखाना चाहें और ये भी चाहें कि बच्चे की हैंड राइटिंग अच्छी हो, तो इसके लिए इनिशियली ये एक शेयर बात मैं आपसे कर रही हूँ और मेरी हम्बल सजेशन है कि ये जो फिगर्स हैं कुछ, इनकी प्रैक्टिस करवाएं और फिर जब वो ये बनाने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो वो बहुत अच्छी हैंड राइटिंग भी हो जाएगी और वो अल्फ़ाबेट्स भी बाकी हैं नहायत आसानी से लिखे, और इन एडिशन टू दैट उसकी जो मोटर स्किल है वो भी इम्प्रूव होगी और हैंड राइटिंग भी होगी नेचुरली। इसमें जो कुछ शेप्स हैं अल्फ़ाबेट्स को लिखने में जो हेल्प करेंगी, उसमें सबसे पहले आप सिखाइए ओ की शेप। तो इनिशियली बेशक आप बच्चे को उस पर ऐसे ट्रेसिंग करवाएं और फिर जब नेक्स्ट स्टेप आए तो उसमें लाइट्स सर्कल बनाएं, ओ शेप है ये, वो बनाएं और वो उसे कहें कि इसको डार्क करें पेंसिल से, और उससे जो नेक्स्ट स्टेज आएगी उसमें आप डॉट्स के ऊपर उसे कहें कि वो ये प्रैक्टिस करें। तो इनिशियली आप ये शेप सिखाएं, उसके बाद इस शेप की प्रैक्टिस करवाएं और फिर आप जाएं सी शेप की तरफ। तो ये जहन में रहे, ये फिगर्स आप जहन में रखिए कि पहले बच्चे को इसकी प्रैक्टिस करवाएं, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करवाएं और उसके बाद ये सी शेप की प्रैक्टिस करवाएं। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे कि जब बच्चा ओ शेप को ड्रॉ करना सीखेगा तो नेचुरली वो ये शेप ड्रॉ करने के बाद स्मॉल ए लिखे आसानी से लिख सकेगा, और नेक्स्ट वो इससे आसानी से जी लिखना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा और क्यू भी लिखना आसान हो जाएगा। इसके अलावा वो पी भी लिख सकता है अब ओ शेप की मदद से, और ओ तो वो लिख ही सकता है क्योंकि ये राउंड शेप्स हैं, और एक दफ़ा बच्चा ये करने के काबिल हो जाए तो सबसे मुश्किल ये गोलाई वाली शेप्स की बात होती है। अगर ये मास्टर कर सकता है वो स्किल, तो उसकी मोटर स्किल और हैंड राइटिंग नेचुरली इम्प्रूव होगी और बाकी अल्फ़ाबेट्स लिखना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। इसके बाद ये, इसके अलावा इसके साथ आप ये एल शेप जो है, स्मॉल एल शेप या आई, ये वाली शेप, इसकी प्रैक्टिस करवाएं और इवेंचुअली जब उसे ये ड्रॉ करना आ जाएगा तो वो इससे बी भी बना सकता है, वो इससे डी भी बना सकता है, वो थोड़ी सी एफर्ट से टी लिखने के काबिल हो जाएगा, और एल तो वो लिख ही सकेगा, और इसके अलावा वो के लिखने लगेगा। तीसरी शेप जो आपने बच्चे को सिखानी है वो है ये सी शेप, और जब ये शेप वो मास्टर करेगा तो सेकंड स्टेप ये होगा कि वो ये स्मॉल ई बड़ी आसानी से ड्रॉ करेगा। तो इनिशियली मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ये शेप बच्चे को सिखाएं, ये शेप सिखाएं और इस शेप की प्रैक्टिस कराएं, एंड डोंट माइंड द अदर अल्फ़ाबेट्स, क्योंकि अगर वो ये चीज़ें ड्रॉ कर रहा है तो बाकी अल्फ़ाबेट लिखना उसके लिए मुश्किल नहीं है। उसके बाद लेट्स हैव अ लुक एट दिस, उसके बाद ये उल्टे सी की शेप की प्रैक्टिस कराएं। ये देखें, ये उल्टे सी की शेप की प्रैक्टिस करवाएं और इवेंचुअली वो स्मॉल एक्स भी लिख पाएगा और सी भी लिख पाएगा ऑब्वियसली, और इसी तरह फिर यू शेप की प्रैक्टिस कराएं और इसकी मदद से वो स्मॉल डब्ल्यू भी बना सकेगा, और लेकिन ये लेटर स्टेजेस में होगा, शुरू में आपने यही शेप सिखानी है जो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, फिर ये स्मॉल वाई भी लिख पाएगा। और आगे देखें ये उल्टा यू, इसकी प्रैक्टिस अगर आप कराते हैं तो इवेंचुअली वो स्मॉल एन नहायत आसानी से लिख सकेगा, स्मॉल एम लिख पाएगा, और इसी की मदद से इवेंचुअली वो स्मॉल एच भी लिख पाएगा। तो काइंडली इनिशियली आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप बच्चों को इन इब्तदाई शक्लों की प्रैक्टिस कराते हैं तो ये एक की है जो कि हेल्प करेगी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने में, बच्चे को लिखने में आसानी होगी और उसकी मोटर स्किल्स जो हैं वो भी इम्प्रूव करेंगी।
So dear parents, all those who want the well-being of children and dear teachers, once again, let's recap. तो मैं ये request कर रही थी कि initially अगर आपने बच्चे की handwriting improve करनी है, आपने उसकी motor skills को बेहतर बनाना है और लिखना उसके लिए एक आसान process बनाना है कि वो बाकी alphabets जो हैं वो with ease लिख सके, तो आपको initially बच्चे को आपने ये जो 6 shapes हैं इनकी practice करवानी है और initially आप इसको जैसे कि हम मॉन्टेसरी मेथड में हम इस तरह से फिंगर्स को पेंसिल शेप करके ट्रेसिंग करते हैं वो करवाएं, आगे चलें तो फिर लाइट से डार्क की तरफ जाएं और फिर आगे चलें तो डॉट्स के ऊपर लिखें और फिर आगे चलें, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो और उसके लिए आसान हो, उसकी मोटर स्किल इंप्रूव हो चुकी हो, प्रैक्टिस हो चुकी हो, तो विदाउट डॉट्स वो लिखने की इसको कोशिश करें। तो इन शेप्स की आप जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे बच्चे के लिए लिखना उतना ही आसान होता चला जाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी गुड मेथड एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मुझे पता चला और मैं चाहती हूँ कि इसको शेयर करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल करें। तो दिस इज़ ओ शेप, शुरू में आप इसकी प्रैक्टिस कराएं, फिर ये स्मॉल एल शेप है, उसके बाद ये सी शेप, उसके बाद ये उल्टा सी, उसके बाद ये आप देखें यू शेप और उसके बाद ये उल्टा यू। सो कीप आस्क योर चाइल्ड, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दीज थिंग्स और इंशाल्लाह इन नो टाइम योर चाइल्ड विल अमेज यू विद हिज वंडरफुल हैंड राइटिंग एंड हिज कीननेस टू राइट। क्योंकि बच्चे आमतौर पे लिखने से जी चुराते हैं, लेकिन वो जी नहीं चुराएगा बल्कि उसके जो टीचर्स हैं, उसके स्कूल वाले उसकी हैंड राइटिंग की आपसे तारीफ करेंगे। सो यू विल फाइंड दिस मेथड इंशाल्लाह very beneficial. So see you in the next video. Subscribe my channel and give me your comments. Allah Hafiz.